सो हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। तो यार, आप में से काफ़ी सारे सब्सक्राइबर का अक्सर मेरे पास एक कॉमन सवाल आता है कि क्या हम जो भी बड़े क्रिएटर होते हैं या जो भी पॉपुलर क्रिएटर होते हैं जिनका कि कंटेंट बहुत ही ज़्यादा वायरल होता है या उनका कंटेंट बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होता है। अब ऐसे में काफ़ी सारे लोग के दिमाग में ये भी सवाल आता है कि क्या हम इस तरह के जो भी क्रिएटर होते हैं उनकी वीडियोस को अपलोड करके क्या अपना यूट्यूब चैनल बना सकते हैं, क्या उसको मोनेटाइज कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को इसी टॉपिक के बारे में बताने वाला हूं कि यदि किसी भी क्रिएटर के वीडियो से रिलेटेड यदि आप अपना एक यूट्यूब चैनल बनाना चाहते हैं तो उससे रिलेटेड क्या क्या प्रॉब्लम आपको हो सकती है, और यदि आप उस कंटेंट को मोनेटाइज भी करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपके पास इसके लिए क्या रास्ते हैं, वही मैं इस वीडियो में आप सभी को बताने वाला हूँ। दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दीजिए। सो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि आखिर इस तरह का कंटेंट अपलोड करने की लोगों को जरूरत ही क्या पड़ती है, या इस तरह का यदि आप कंटेंट अपलोड करते हैं तो उसके फायदे क्या होते हैं। फिर हम बात करेंगे यहां पर प्रॉब्लम्स के बारे में, और वीडियो क्लास में हम बात करेंगे सॉल्यूशन के बारे में। यहां पर देखिए दोस्तों, जो भी ऑलमोस्ट बड़े क्रिएटर होते हैं या पॉपुलर क्रिएटर होते हैं जो कि यूट्यूब पर काफ़ी लंबे समय से काम कर रहे हैं, यहाँ पर उनकी सबसे खास बात ये होती है कि वो ऑलरेडी अपने YouTube पर इस्टेब्लिश हो चुके हैं, उनकी एक अच्छी खास अर्निंग जो है वो उनकी YouTube चैनल से जनरेट होना स्टार्ट हो गई है। ऐसे में वो अपने हर एक काम को अच्छी तरह से करने के लिए वो एक अपनी प्रॉपर टीम रखते हैं। वीडियो की स्क्रिप्टिंग क्या होगी उसके लिए एक प्रॉपर टीम होती है, वीडियो में कहाँ पर क्या बोलना है, मेन पॉइंट क्या होंगे, उसमें वीडियो को कैसे एडिट करना है, वीडियो को कैसे बनाना है, ऑडियंस को वीडियो में कैसे एंगेज रखना है, और इसके बाद उस वीडियो को अच्छी तरह से मैनेज करने के लिए यानी उसमें टाइटल टैग डिस्क्रिप्शन और थंबनेल वगैरह ऐड करने के लिए भी एक प्रॉपर टीम होती है। तो इस तरह से दोस्तों उनकी एक जो काफी बड़ी टीम होती है, जब वो एक एक आदमी या एक से ज्यादा आदमी हर एक वीडियो के एक एक सेक्शन में काम करते हैं तो उस वीडियो में जो काम है वो बहुत ही ज्यादा निखर के आता है। तो सबसे बड़ा फायदा यही होता है दोस्तों कि जब आप इस तरह की वीडियोस से रिलेटेड यदि कोई यूट्यूब चैनल बनाते हो या इस तरह की वीडियोस को यदि अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड करते हो तो आपको एक अच्छा खासा व्यूज देखने को मिलता है, या आपको अपने यूट्यूब चैनल पर ऑडियंस का अच्छा खासा एंगेजमेंट देखने को मिलेगा। यदि आप उस वीडियो को दोबारा से भी अपलोड करते हैं तब भी उस पर आपको काफी ज्यादा व्यूज देखने को मिलेंगे, और वो इसलिए होता है क्योंकि दोस्तों पहली बात तो कोई भी यूट्यूब चैनल कितनी ही अच्छी वीडियो क्यों ना बना ले, आज के टाइम पर यूट्यूब का प्लेटफॉर्म इतना बड़ा है, इतना बड़ा उसका यूजर बेस है कि हर एक यूजर तक वो वीडियो कभी भी नहीं पहुंच सकती है। कई बार दोस्तों लोग जो है वो क्यूरियोसिटी में या फिर जानकारी के लिए केवल इस वजह से ही वो उस वीडियो को दोबारा आपके यूट्यूब चैनल पर देखना पसंद कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों तीसरा कारण ये हो सकता है कि मान लीजिए कोई भी यूट्यूबर या क्रिएटर कोई एक वीडियो बनाता है और उस वीडियो से रिलेटेड और अधिक जानकारी या और अधिक इंफॉर्मेशन या उस वीडियो से रिलेटेड कोई न्यूज या उस वीडियो में यदि आप और कोई यदि कंटेंट वैल्यू ऐड करते हैं या एंटरटेनमेंट वैल्यू ऐड करते हैं तो फिर लोग उस वीडियो को देखने में और भी ज़्यादा इंटरेस्टेड हो जाते हैं, क्योंकि एक तो वो कंटेंट पहले से ही इंटरेस्टेड था और आपने उस कंटेंट में और भी ज़्यादा वैल्यू ऐड करके एक नए कंटेंट की तरह उसे अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दिया, तब भी लोग उस वीडियो को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। उदाहरण के लिए आपने यूट्यूब पर बहुत सारी एनालिसिस वीडियो देखी होगी जहाँ पर लोग दूसरे के यूट्यूब चैनल को या दूसरे किसी व्यक्ति के बारे में एनालिसिस वीडियो बनाते हैं कि वो अपने यूट्यूब चैनल पर किस तरह से काम कर रहे हैं, क्या क्या उनके पॉजिटिव साइड है, क्या क्या उनके नेगेटिव साइड है। तो ये तो बात हो गई दोस्तों कि दूसरों के यूट्यूब चैनल का कंटेंट यदि आप अपलोड करते हैं तो उसके फायदे क्या हैं। अब हम बात करते हैं कि यदि आप किसी दूसरे व्यक्ति का कंटेंट अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड करते हैं तो मेनली आपको उससे क्या क्या प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। देखिए दोस्तों, यदि आप किसी भी दूसरे व्यक्ति का कंटेंट यदि अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड करते हैं सबसे बड़ी और मेजर दो प्रॉब्लम जो है वो आपको देखने को मिल सकती है। पहली प्रॉब्लम तो है कॉपीराइट की। अब यदि आप किसी दूसरे व्यक्ति का कंटेंट यदि आप इस्तेमाल करते हैं, अब यूट्यूब की भले यहाँ पर फेयर यूज पॉलिसी है लेकिन फेयर यूज के बावजूद भी यदि कोई व्यक्ति नहीं चाहता है कि आप उसका कंटेंट इस्तेमाल करो, भले ही आपने फेयर यूज के तहत ही इस्तेमाल कर रखा है, तब भी वो आपको यहाँ पर कॉपी राइट स्ट्राइक दे सकता है, आपकी यूट्यूब चैनल से वीडियो रिमूव हो जाएगी। और ऐसे ही लगातार वो यदि 3 स्ट्राइक दे देता है आपका यहाँ पर पूरा का पूरा यूट्यूब चैनल ही यूट्यूब के प्लेटफॉर्म से गायब हो जाएगा। तो सबसे पहली प्रॉब्लम तो ये होती है। दूसरी प्रॉब्लम है दोस्तों यहाँ पर यूट्यूब की मोनेटाइजेशन पॉलिसी जो की होती है रीयूज कंटेंट पॉलिसी, जहां पर यदि आप किसी दूसरे व्यक्ति का कंटेंट यदि उठाकर अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड करते हैं या इवन आप उसमें वैल्यू तो ऐड करते हैं लेकिन कुछ खास वैल्यू या कोई मेजर वैल्यू ऐड नहीं कर पाते हैं, उस केस में भी आपको यहाँ पर जो है वो आप यूट्यूब चैनल का जो मोनेटाइजेशन है वो यहाँ पर
रिजेक्ट कर दिया जाता है, जिसके बाद आप अपने YouTube चैनल से एक रुपए की भी अर्निंग नहीं कर पाते हैं मोनेटाइजेशन के थ्रू। तो ये तो हो गई दोस्तों मेजर दो प्रॉब्लम। यदि ये दो प्रॉब्लम ना हो तो कोई भी क्रिएटर बड़े ही आसानी से दूसरे यूट्यूबर की वीडियो उठाकर अपने YouTube चैनल पर अपलोड करके पैसे कमा सकता है, मोनेटाइज कर सकता है। तो अब बात करते हैं दोस्तों इसके सोल्यूशन के बारे में कि आखिर इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है। पहले यहाँ पर दोस्तों अगर हम बात करें कॉपीराइट की, तो देखिए ये बात सच है कि कोई भी क्रिएटर दूसरे क्रिएटर को अपना कंटेंट इस्तेमाल करने के लिए कॉपीराइट स्ट्राइक दे सकता है। लेकिन यहाँ पर दोस्तों जो भी मेजरली बड़े क्रिएटर होते हैं या बड़े यूट्यूबर होते हैं उनका यूजर बेस बहुत ही ज़्यादा होता है और वो अपने काम पे बहुत ही ज़्यादा फोकस्ड होते हैं। इसलिए जब तक कोई उनके कंटेंट का बहुत ही बड़े लेवल पर मिसयूज यदि नहीं करता है तो अमूमन वो उसको आसानी से कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं देते हैं। तो ऐसे में यदि आप किसी भी कंटेंट का पॉजिटिव वे में इस्तेमाल करते हैं, साथ ही उनको क्रेडिट वगैरह दे देते हैं वीडियो के अंदर अपने YouTube वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, तो मेजरली बहुत ही रेयर चांसेस होते हैं कि इसके लिए आपको कोई कॉपीराइट स्ट्राइक आए। तो ये प्रॉब्लम तो यहाँ पर सॉल्व हो गई। अब बात करते हैं यदि दूसरी प्रॉब्लम की, जो कि है YouTube की रीयूज कंटेंट पॉलिसी। तो यदि आप किसी दूसरे व्यक्ति का कंटेंट डायरेक्टली उठाकर एज इट इज अपने YouTube चैनल पर अपलोड कर देते हैं, डेफिनेटली भले आप फुल वीडियो अपलोड करें या फिर उसे क्रॉप करके क्लिप्स में इस्तेमाल करें, आपका YouTube चैनल तो यहाँ पर मोनेटाइज नहीं होने वाला है। लेकिन उसी में यदि आप अपनी खुद की वैल्यू ऐड करें, उदाहरण के लिए चाहे आप उसमें रिएक्शन दे रहे हो, कमेंट्री कर रहे हो, आप उस पर रोस्ट वीडियो बना रहे हो, आप उस वीडियो से रिलेटेड कोई न्यूज एंड इन्फॉर्मेशन दे रहे हो, तो इस तरह से कोई भी एक निश यदि आप पकड़ते हैं उस वीडियो से रिलेटेड और उस पर यदि आप अपनी पूरी वीडियो बेस्ड रखते हैं, उस वीडियो में अपना वॉइस ओवर देते हैं, अपना फेस कैम रखते हैं या एटलीस्ट फेस कैम नहीं रखते हैं, तो आप यदि उस पर एक प्रॉपर वॉइस ओवर देते हुए अपना खुद का कंटेंट ऐड करते हैं, उस वीडियो को यदि आप एक नए कंटेंट के रूप में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं या चेंज कर सकते हैं, उस केस में आपका YouTube चैनल इजीली मोनेटाइज हो जाएगा। मान लीजिए बाय चांस यदि आप इतना कंटेंट में वैल्यू ऐड नहीं कर पाते हैं, आपका YouTube चैनल मोनेटाइज नहीं होता है, तब भी आपके पास रास्ते होते हैं अर्निंग करने के, जैसे कि स्पॉन्सरशिप हो गया, जहां पर आप किसी भी प्रोडक्ट या वेबसाइट की स्पॉन्सरशिप वगैरह कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों पेड प्रमोशन हो गया, जहां पर डायरेक्टली किसी चीज़ को आप अपने YouTube चैनल पर या अपनी YouTube वीडियोस के थ्रू प्रमोट कर सकते हैं। इसके अलावा एफिलिएट मार्केटिंग हो गई, जहां पर दोस्तों आप यहां पर किसी भी प्रोडक्ट की लिंक वगैरह अपने YouTube वीडियोस में ऐड करके उससे भी आप पैसे कमा सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आजकल लोगो प्रमोशन का भी बहुत ही ज़्यादा चलन में है। कोई भी ऐसा प्रोडक्ट है, वेबसाइट है या कोई भी ऐसा सामग्री जो कि अवेलेबल है, जिसका आप लोगो अपनी YouTube वीडियो में लगाकर उसके थ्रू भी आप यहां पर अर्निंग कर सकते हैं, और आज के टाइम पर ये बहुत ज़्यादा चल रहा है। खासकर YouTube के अलावा जो बाकी के प्लेटफॉर्म है जहां पर मोनेटाइजेशन का फीचर अवेलेबल नहीं है, वहां पर क्रिएटर ज़्यादा से ज़्यादा अर्निंग जो करते हैं वो यहां पर लोगो प्रमोशन के थ्रू ही करते हैं। तो इस तरह से दोस्तों आपके पास बिना मोनेटाइजेशन भी काफ़ी सारे रास्ते होते हैं और जिनसे लोग पैसे कमाते हैं। सो वीडियो कैसा लगा हमें जरूर बताएं, अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक गुड बाय एंड टेक केयर।